तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, यदि आप भी एक जियो यूजर हैं, जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में यदि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सभी टेलीकॉम कंपनियां हैं ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया है, उनको महंगा कर दिया है, तो ऐसे में यदि आप भी एक जियो फोन यूजर हैं, यदि आप जियो फोन यूज कर रहे हैं उसमें जियो का सिम कार्ड, ऐसे में यदि आप जानना चाहते हैं क्या जियो फोन का भी रिचार्ज महंगा हो गया है या नहीं हुआ है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। यदि जियो फोन में आप अपने रिचार्ज कराने वाले हैं तो आपको उसमें कितने रुपये का अब रिचार्ज कराना होगा रिचार्ज महंगे होने के बाद। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले जियो फोन के जो रिचार्ज प्लान थे जियो फोन के, वह क्या महंगे हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो जियो फोन के रिचार्ज प्लान है वह आपको सेम उसी प्रकार से रिचार्ज प्लान मिलेंगे जो कि पहले जैसे मिलते थे। रिचार्ज जियो जियो फोन के रिचार्ज प्लान है, यानी रिचार्ज है, वो महंगे यहाँ पर जियो ने अभी तक नहीं किए हैं, वह पुराने प्राइस में ही यहाँ पर अवेलेबल है अभी भी, जो कि 75 रुपये में आपको दिया जाता था 23 दिन की वैलिडिटी के साथ। यहाँ पर 100 MB का यहाँ पर आपको प्रतिदिन डाटा इसमें मिलता था, और इसके अलावा जो एक और प्लान आता था यहाँ पर 91 रुपये का, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलता था, वही 100 MB का डाटा प्रतिदिन आपको मिलता था इसमें। और जो दूसरा प्लान था यहाँ पर 125 का, वो भी 125 का ही है अभी, इसमें भी कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो 152 रुपये का आता था ये प्लान भी अभी भी आता है, जो कि 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, इसमें आपको 0.5 GB यानी यहाँ पर आपको 500 MB का प्रतिदिन डाटा इसमें दिया जाता है। और जो इससे भी आपको फिर 1 GB वाला प्लान चाहिए तो 186 रुपये का प्लान आता है, इसमें भी 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इसमें आपको 1 GB का डाटा प्रतिदिन दिया जाता है। तो दोस्तों ये सेम रेट में मिल रहे हैं अभी भी, पुराने रेट में ही यानी पुराने प्राइस में ही मिल रहे हैं। यहाँ पर इस प्लान को प्लान में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है, यानी जियो के जो रिचार्ज प्लान है वो महंगे नहीं किए हैं जियो ने अभी तक, सिर्फ स्मार्टफोन के जो रिचार्ज प्लान है उनको महंगा किया है।